हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। और मेरे इस चैनल पे आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स आल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है ज्योता और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ द टैक्स पेयर गेट इनकम टैक्स नोटिस फॉर डोनेशन टू द बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ आप स्किप करके ना देखें, बिकॉज़ अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और मेरे इस चैनल पर आप लोगों को इनकम टैक्स से रिलेटेड मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करी हुई है और आगे भी अपलोड होती रहेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ हमें अपडेट्स मिलेंगी, हम उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है टैक्स पेयर गेट इनकम टैक्स नोटिस फॉर डोनेशन टू द बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आज हम लोग जानेंगे अपनी वीडियो में कि टैक्स पेयर यानी कि जो भी एसएससीज है, जो टैक्स भरते हैं, उनको इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है अगर वो डोनेट करे बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन से होते हैं। डोनेशन तो हम लोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसमें हमें डिडक्शन मिलता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे चैनल में आपको डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या कुछ डिडक्शन मिलती हैं, किस सेक्शन में मिलेगी, उस सबसे रिलेटेड मैंने अपने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो अभी हम बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानेंगे। डोनेशन तो हम करेंगे, लेकिन अगर बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ को किया है तो क्या होगा, और बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन से होते हैं। बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होते हैं जो कि, सपोज़ मैं शॉर्ट में एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। जैसे मान लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है एक्स, ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है हमारा एक्स, उसको हमने डोनेट किया सपोज़ ही 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर हमने उसको 1 लाख रुपीज़ डोनेट करे हैं तो वो क्या करेगा, अपने पास 5% रख कर या फिर 6% जितना भी हो, वो अपने पास कुछ परसेंट रख कर वो क्या करेगा, बाकी अमाउंट आपको वापस कर दें ना कैश फॉर्म। ठीक है, तो ये तो डोनेट के फॉर्म में कुछ हुआ ही नहीं, तो वो क्या कहते हैं एज अ कमीशन, और वो 5% 10% जो भी लेगा वो अपने पास कुछ रख के, कुछ अपने दूसरे एजेंट होते हैं उनको देंगे। हम इस बोगस पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से समझने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो मेरे इस वीडियो पर कंटिन्यू रहिए, प्लीज़ इसको स्किप करके ना देखिए। अब हम देखेंगे बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैसे क्या होता है। जो हमारे नोटिस आते हैं इनकम टैक्स का, वो होता है हमारा सेक्शन 148 में, 148A के अंडर हमारे नोटिस के लिए नोटिस आता है इनकम टैक्स से। तो देखा जाए तो हमारा असेसमेंट ईयर 2019-20 में हमारा नोटिस देखा गया था कि आए थे ऐसे केसेस जिसमें कि पेयर्स ने टैक्स पे किया था पार्टी को, और उन्होंने पार्टी को जो टैक्स पे किया था वो कौन से थे, बोगस पॉलिटिकल पार्टीज थे। तो ऐसे केसेस देखने में भी आए हैं। लास्ट ईयर भी हमारा अभी ये था कि 500 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कि ऐसे बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिले हैं, जिनमें कि टैक्सपेयर डोनेट कर चुके हैं उनको, और उनका जो है उनको आगे सफ़र करना पड़ता है टैक्सपेयर को। आइए देखिए कैसे क्या कुछ होता है। तो डिपार्टमेंट ने ये चीज़ तो देखी, सेक्शन 48A में हमें नोटिस मिलता है, स्टार्टिंग इसकी 1920 में ऐसे केसेस आए थे, स्टार्ट हुए थे कि यहाँ पर ऐसे टैक्सपेयर को ये चीज़ें मिलती है, उन्होंने ये चीज़ें उनको मिली थी बोगस पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन्होंने डोनेट कर दिए थे। तो डिपार्टमेंट ये कहता है, हमारा आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हमें ये कहता है
ये कहता है कि अगर एग्जांपल अगर किसी टैक्स पेयर ने डोनेट किए भी हैं, अगर उसने डोनेट कर दिए, अगर उसने डोनेट कर दिए, सपोज 2 लाख उसने डोनेट कर दिए हैं, तो 2 लाख अगर उसने अपने बोगस पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं, उसने डोनेट कर दिए, उसको तो पता नहीं है कि भाई हमने डोनेट किए हैं, पर उसने कुछ प्रूफ अपना उतना दिया नहीं जो जो प्रूफ हमें देना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करने के लिए, उसको तो पता नहीं है, वो जानता क्या है कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है तो हमें सेक्शन अपना 29A में वो रजिस्टर है कि नहीं, हमें वो अच्छे से देखना है कि वो 29A में रजिस्टर है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, उसी के बाद करेंगे। पर क्या होता है कि उसको पता ही नहीं होता है, तो हमारे पास नोटिस आ जाता है। नोटिस में आएगा क्या, 14 डेज का सपोज उन्होंने कहा कि नोटिस है आपके पास, आपके पास इतनी टाइम लिमिट है, इसके अंदर आपको सब कुछ करना है, इस डेट के अंदर आपको सब कुछ रिस्पॉन्स करना है। उन्होंने एक डेट दे दिया रिस्पॉन्स के लिए कि आपको इस डेट पे रिस्पॉन्स करना है, ऐसा करके नोटिस आएगा। आईटीआर डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कि आपने तो ये सब कुछ डोनेट कर लिया, तो मेरे को ये चीज़ रीअसेस करनी है कि ये कहाँ से आया था, कैसे क्या आया, मेरे को ये सब कुछ रीअसेस करना है। तो रिसेंटली देखा जाए, रिसेंटली ये देखा गया है कि भाई जो आईटी डिपार्टमेंट है हमारा, आईटी का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कंडक्ट किया था अपना सर्च, उन्होंने कंडक्ट किया था कि क्या कुछ होता है, उन्होंने ऑपरेशन चलाया अपना, ऐसे उन्होंने क्या करा था, अपने अलग अलग पार्टीज़ को भेजी थी अंडर सेक्शन 132A ऑन 23 RUPP। RUPP ये क्या है, रजिस्टर रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या था, उनका ऑपरेशन का नाम था, ठीक है। तो इसमें हुआ ये कि मेजॉरिटी लोकेशन जो है हमारी, मेजॉरिटी ऑफ लोकेशन जो है हमारी, लोकेशन ऑफ अहमदाबाद में, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, अहमदाबाद जो है वहाँ पर इस एरिया मेजॉरिटी 23 जो है हमें ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इस बोगस पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक एजेंट होता है, ठीक है, हमारा SSC है जिसको कि पे करना है, मतलब कि जो टैक्स पे करेगा, और हमारा 23 RUPP है, ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन थे अहमदाबाद के कि वो अनरिकॉग्नाइज थे, उनकी एक चेन थी कि वो इकट्ठे काम करते। तो SSCs ने क्या करा, इनको अपना पेमेंट करा बैंक के चैनल से, बैंकिंग चैनल से, बैंकिंग के चैनल से उनको पे कर दिया, ठीक है भाई, इन्होंने भी पे कर दिया। अब इन्होंने भी बताया कि भाई अगर आप ITR की फाइलिंग करते हो उस पर आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो। कि भाई ITR फाइलिंग, जब आप एलिजिबल, मतलब आप ITR फाइलिंग करोगे, आप डिडक्शन उसमें क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम के लिए आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। इसने क्या करा, आप जो भी अमाउंट दोगे उसमें से 10% सपोज उसने रख लिया, बाकी के जो अमाउंट थे आपको वो वापस कर दिया। और यहाँ पर उसने क्या किया, एजेंट को 10% में से 5% अपने पास रख के 5% चार्ज इसको कर दिया कैश,
इधर भी कैश में पेमेंट कर दी, इधर भी कैश में पेमेंट कर दी। अब होता क्या है, SSCs ने जो भी अपना सेफ टैक्स को सेव करने के लिए SSC ने क्या करा, इनको पेमेंट कर दिया। ये तो क्या थे भाई, बोगस पॉलिटिकल पार्टीज थे जिनका अनरिकॉग्नाइज थे, इनका कुछ पता ही नहीं, बोगस पार्टीज हैं ये तो, ठीक है। और तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन, डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 13A के अंडर। इन लोगों को क्या होती है एग्जेम्पशन, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं। डिडक्शन क्या है, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं पूरे, ठीक है। ये क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं, इनको डिडक्शन तो क्या एग्जेम्प्टेड, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना होता। अब भाई बोगस डोनेशन हो गया, ये तो कोई डोनेशन है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई डोनेशन ही नहीं है, क्योंकि वो वापस तो रिटर्न में कैश कर ही दे हैं, तो रिटर्न जब उन्होंने कैश कर दिया तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये है, जब SSC अपना जब ये सब कुछ करते हैं तो उसको डिमांड में अपनी सारी चीज़ें रखनी है कि भाई उससे सब कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने, वो बोगस पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, अगर है तो उससे वो सावधान रहे, उससे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, PAN नंबर, उनका एड्रेस प्रूफ मांगे, उनका जो वो बैंकिंग में पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स वो देखें उनसे, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब इनकम टैक्स का नोटिस तो आया है, अब जो SSC है, SSC को क्या है, अपना टैक्स तो पे करना है, साथ में जो टैक्स है उसका इंटरेस्ट पे करना है, साथ में जो उसकी पेनल्टी लगेगी पेनल्टी उसको पे करना है। ये जो भी अमाउंट सपोज होगा उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, किसको, अपने SSC को। वो गया तो था अपने टैक्स को कम करने के लिए, पर रिजल्ट क्या निकला, अगर वो बोगस पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एक गलती की वजह से उसने बिना जांच पड़ताल के ये काम करा, तो उसको टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है एंड पेनल्टी भी देना है। ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24BC उसको पे करना होता है, और जो इसने ये मिस रिस्पोंड किया है उसके लिए, मतलब कि जो ये मिसयूज़ उसने किया है मिस रिपोर्टिंग के लिए, उसने क्योंकि उसने तो दिखाया अपने गलत कागज़ उसने दिखाए, तो मिस रिपोर्टिंग के लिए अंडर सेक्शन 270A उसको ये चार्ज करनी पड़ेगी पेनल्टी। और वो गया था सेव करने के लिए और उसके साथ क्या हादसा हो गया। तो ध्यान रखना है बिल्कुल कि भाई ये गलतियां ना हो बिल्कुल भी, एकदम ध्यान से चीज़ करनी है। तो जब भी होगा अगर ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना है, जो हमने ये है कि जैसे बोगस पॉलिटिकल पार्टीज पकड़े जाते हैं कि भाई ये पार्टीज थे, उन्होंने जिनसे जो पेमेंट ली है उसका पता लगता है, उन्होंने ITR फाइलिंग जैसे करेंगे, उससे ITR जो है उनको रिपोर्ट मिल जाती है, वो उसको क्या करते हैं नोटिस भेज देते हैं। नोटिस भेजते टाइम आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी देनी है, ये सब कुछ आपको देना है। साथ के साथ आपको सारे के सारे कॉपी ऑफ डोनेशन की डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, साथ में अपना जो केस आपके ऊपर अगर आता है तो वो आपको दिखाना है कि मेरे ऊपर ये केस ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, इम्पोर्टेंट है कॉपी ऑफ डोनेशन आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, कॉपी ऑफ डोनेशन, बैंक स्टेटमेंट, जो भी केस है उस केस की रिपोर्ट आपको देनी होगी। तो यहाँ पर हमने बोगस पॉलिटिकल पार्टीज कौन होते हैं, कैसे इसका पता लगा है फर्स्ट, उसके ऊपर कैसे हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, RUPP क्या होते हैं, कैसे इनका चेन जो है होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, कब स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ ये होता है, RUPP क्या है, इनका चेन कैसे होता है, अगर नोटिस आया तो आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है, ये चीज़ भी मैंने बताई है इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो के रिलेटेड सब कुछ ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जाके आप इनकम टैक्स की वीडियोस देख सकते हैं, और जो भी न्यू अपडेट्स रहेंगे आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। और अगर आपको कुछ भी नया जानना है, कि कोई नया टॉपिक अगर आपके पास है, आप ज़रूर मुझे
कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉच माय चैनल।